الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर थर्टी फाइव है जिसमें हम अल जुमलाफेलियानि जुमल फेलिया को कंटिन्यू करेंगे आज हम जुमला फेलिया का सोलामा बाब सिक्सटीन पार्ट पढ़ेंगे इसको जानेंगे अभी तक हमने काफ़ी ज्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की हैं अरबी ग्रामर के लिहाज से जब हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको उसी जबान में समझने की कोशिश करनी है जिस जबान में ये नाजिल हुई है जैसा कि आप जानते हैं कि अरबी ग्रामर का ख़ासा जो है वो है या तो हमें इसम जानना है या फिर फेल जानना है या फिर हमें हर्ब जानना है असमा या इसम के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी है अब हम फेल पढ़ रहे हैं और फ़ेल के बारे में हमने ये पढ़ा कि फेल जमाने के लिहाज से अरबी में या तो गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है जिसको हम फेल माजी कहते हैं और अरबी में जो हाल का ज़माना जिसको हम प्रेज़ेंट का ज़माना कहते हैं या फ्यूचर का ज़माना मुस्त मस्तबिल का ज़माना इसको क्लब किया जाता है यानी मा, माजी को अलग रखा जाता है और जो हाल और मुस्तकबिल उसको क्लब किया जाता है जिसको हम कहते हैं फेल मुजारा जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि हम ये जो अभी आजकल हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें आपको मैं बताता चलूं कि अगर हम आज के लेक्चर की बात करेंगे तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे फेल मुजारा खफीफ किसको कहते हैं याद रखने की बात है कि फेल माजी में अपनी शक्ल में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं लाता यानी जिस तरह फेले माजी आपने देखा उसमें कोई भी शक्ल में तब्दीली नहीं आती इसके बरक्स जो फेल मुजारा है यानी ऐसा फेल जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर जमाने पाए जाते हैं इसके जो हालात है शक्ल के लिहाज से ये तब्दील होते रहते क्या क्या तब्दीली आ जाती है जैसे हमारे पास फेल मुजारा है आप यहाँ देख रहे हैं कि फेल मुजारा है फेल मुजारा अपनी शक्ल के हिसाब से मुजारा खफीप भी बन सकता है मुजारा अख़ब भी बन सकता है इसी तरह मुजारा शकील भी बन सकता है और मुजारा अकल भी बन सकता है इन चीज़ों को हमें एक एक करके पढ़ना है सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है फेल मुजारा खफीफ ये फेल मुजारा खफीफ किसको कहते हैं फेल मुजारा कैसे खफीफ बनता है खफीफ बनने की सूरत में फेल मुजारा पे क्या क्या कायदे लागू हो जाते हैं आज का जो लेक्चर है वो इसी पे फोकस करेंगे देखें फेल मुजारा खफीफ ये ऐसा फेल है जिसमें मुजारा जो है यानी फेल मुजारा जो है उसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है ये तब्दीली क्यों आती है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हरूफ है जो कि अगर फेल मुजारा पे दाखिल हो जाते हैं तो फेल मुज़ारा को खफीफ कर देते हैं उन हरूफ में से सबसे पहले हरफ है लन उसके बाद है आन, उसके बाद है ली लामजेर ली उसके बाद है काई या जबर काई इसके बाद है इज़न इसको ऐसे भी लिखा जाता है इज़न दो जबर के साथ भी लिखा जाता है और इसके बाद है हत्ता। ये जो हमारे पास यानी हमारे पास जो छह हरूफ है इन छः हरूफ को अगर आप सबसे पहले कभी आप देखेंगे मुजारा से पहले तो आप याद रखिएगा कि मुजारा की जो शक्ल है जो नॉर्मल शक्ल है मुजारा की वो तब्दील हो जाती है और उस तब्दीली को हम उस वक्त कहते हैं ये मुजारा खफीफ है यानी उस तब्दीली को कहते हैं ये खफीफ है इन्हें तब्दीली फेले मुजारा नॉर्मल मुजारा से चलकर कर फेल मुजारा खफीफ बन गया तो या ये आपको ये छह हरूफ याद रखने हैं लन आन ली काई इजन और हत्ता अक्सर वेशतर और, और, और अरबी ग्रामर में अमूमा इन हरूफ को अक्सर वेशतर इस्तेमाल किया जाता है इनका माने भी है वो माने भी हम जानेंगे मिसालें भी देंगे मगर सबसे पहले जो कायदा है वो आपको याद रखना पड़ेगा जब भी फेल मुजारा फेल माजी नहीं फेले माजी में कोई शक्ल में तब्दीली नहीं आती मगर जब भी फेल मुजाह के इब्तदा में इन छः हरूफ में से कोई भी हरफाप इब्तः में यानी पहले देखेंगे तो फेल मुजारा की शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है तो वही आज कायदा है जिसको हमने फेल मुजारा खफीफ जाना और इस हिसाब से आज हमारा सत्रहवायद के हिसाब से ये है कि ये ऊपर ये छः हरूफ आप देख रहे हैं ये हरूफ फेल मुजारा में दर्ज जैल तब्दीली लाते हैं क्या क्या तब्दीली लाते हैं जो तब्दीली वो लाते हैं उसी को हम कहते हैं खफीफ यानी फेल मुजारा नॉर्मल मुजारा से निकल कर फे मुजार बन जाता है जो तब्दीली आ जाती है उसी को हम मुजारा खफीफ कहते हैं देखिए हमारे पास जो मुजारा का सेगा होता है आपको पता है कि जब हम गर्दान पे डालते हैं तो हमारे पास टोटल चौदह सेगे बन जाते हैं ठीक है उसमें थर्ड पर्सन के छह सेगे सेकंड पर्सन के छ सेगे और मुतकलम यानी फर्स्ट पर्सन के दो सेगे सिक्स प्लस सिक्स बारह और मुतकलम जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके दो सेगे तो ये चौदह सेगे बन जाते हैं अब ये जो चौदह सेगे आपके पास है उनमें से जो पहला ग्रुप है यानी मान लीजिए अगर हमारे पास मुजारा का एक गरदान है आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने मुजारा का एक गरदान दिया है देखिए ये, ये हमारे गायब के छह सेगे थर्ड्स पर्सन के थर्ड छः सेगे यफ आलो यफाली यफ अलूना तफ आलो हमारे पास छः सेगे हैं

और जमा मुज़क़्कर मुनस मुतकलम के लिए नफ इस तरह हमारे पास ये चौदह सेगे बन जाते हैं फेले मुज़ारे के अब इनमें क्या तब्दीली आ जाती है अगर आप देखेंगे कि इन छह हरूफ में से कोई हरफ आपके सामने है फेल मुजाह से वो तब्दीली क्या आ जाती है नंबर वन इन बारह हरूफ चौदाह सेगों में से जो आपके पास पांच सेगे फ तफालु तफालु, अफालु और नफालु ये देखिए ये वाले एक दो तीन चार और पांच यफ आलु तफालु, अफालु और नफालु इनको मैंने नंबरिंग यहां की है वन टू थ्री फोर फाइव इसको फर्स्ट कैटेगरी हम कहते हैं इन पांच खरूफ में या इन पांच सेगो में आपको क्या करना पड़ेगा यफ तफालु तफालु अफालु नफालु ये जो आपके पास पांच सेगे हैं इनमें से आखिर में पेश को हटा के जबर देना है तो यफ बनेगा यफ़ आला बनेगा तफ आला तफ बनेगा तफ आला अफ आलू बनेगा अफ आला और नफ़ आलू बनेगा नफ आला पेश को हटा के जबर देना है अब आप देखिए जब आपने पेश को हटा के जबर दे दिया तो आप ये कह सकते हैं कि ये फेल मुजारा खफीफ बन गया फेल मुजारा खफीफ बन गया फेल मुजारा की जो शक्ल है वो अब तब्दील हो गई आखिर में पेश के बजाय जबर आ गया और ये जबर क्यों आई क्योंकि इससे पहले लान आन ली ला, काई इदन या हत्ता इन छह हरूफ में से कोई हरफ है तो ये तो था पहले ये जो पांच हरूफ है उनमें कौन सी तब्दीली आ जाती है उसके बाद जो दू, दूसरा ग्रुप है यफलानी तफलानी 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 यफ अलूना तफलूना तफलीना ये वाला ग्रुप आप देखिए इसके बाद छ छः सात आठ नौ दस ठीक है और उसके बाद है बारह ये जो आपके पास है यफअलान तफअलान 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 यफ अलूना और तफअलूना ठीक है ये जो आपके पास बाकी यानी सेगे के आप एक दो तीन चार पाँच छ सात आप देख रहे हैं इनमें आखिर में क्या हो जाता है इन तमाम सेगों में से आखिर में नून गिर जाता है बनेगा यफाला तफअान बनेगा तफा बनेगा तफाला तफा बनेगा तफालाफ आलू और तफा बनेगा तफालू और तफालीना बनेगा तफली आप देखिए आखिर में हमने नून को हटा दिया तो इस सूरत में भी फेल की शक्ल तब्दील हो गई ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा और आखिर में अगर हमारे पास वाव होगा तो एक जायद लगाया जाएगा तो ये तो था दो में क्या क्या तब्दीली आप देखिए हाँ एक दो तीन चार पांच सात हो गए सात प्लस यहां आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बारह सेगो में तब्दीली आ जाती है इन छह सेगो में तब्दीली कैसे आ गई आखिर में पेश के बजाय जबर लगाया और इन साथ आपके पास जो ये तो ऊपर पांच है पांच के बजाय जो सात है सात सेगों में हमने क्या तब्दीली लाई कि उनका नून हमने गिरा दिया जिसको हम कहते हैं पहले मुजारा खफीफ उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है क्योंकि बारह तो आ गए सेगे असल हमारे पास चौदह सेगे हैं तीसरा ग्रुप है यफ अल्ला और तफ अल् यहां पर आप देखिए ये है यफ सेगा नंबर ग्यारह और तफ सेगा नंबर तेरह इन दो सेगू में कोई तब्दीली नहीं आती है बस याद रखिएगा इन दो सेगू में कोई तब्दीली नहीं आती है अगर इन हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए ठीक है इस कायदे को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा आज हम पढ़ रहे हैं फेल मुजारा में कैसे हम तब्दीली लाते हैं एक तब्दीली जिसको हम कहते हैं फेल मुजारा खफीफ उसमें अगर आप कुछ हरूफ देखेंगे फेल मुजारा से पहले ये है वो छः हरूफ अगर ये छूफ छः हरूफ फेल मुजारा से पहले आते हैं तो जो फेल मुजारा का पहला ग्रुप है ये पांच हरूफ इनमें तब्दीली क्या आ जाती है इनका आखिर में पेश हट जाता है और जबर आ जाती है यफलु के बजाय यफला तफलु के बजाय तफला वगैरह और दूसरा जो ग्रुप है जिसमें आन आन साउंड है जिसमें जिस में नून है, इन में इनका नूर गिर जाता है और जहां पर वाव है उसके साथ जायद अलिफ आ जाता है बाकी रहा दो आपके पास सेगे अल्लाह और तफ इन में कोई तब्दीली नहीं आती है इनको हम फेल मुजारा खफीफ कहते हैं मगर तब्दीली नहीं लाई जाती अब पूरा आपके सामने में गर्दान दे देता हूँ ये तो था गर्दान एक नॉर्मल एक ओरिजिनल गर्दान जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई फेल मुजारा का मगर जब आपने उसके बाद इन छः हरूफ में से कोई हर्फ लाया फेल मुजारा से पहले तो तब्दीली इस तला आ जाती है यफलू बनेगा यलाफल बनेगा यूकि नून हमने हटा दिया यलूना बनेगा यलू नून हमने हटा दिया और मैंने आपको बताया था वो आपके साथ अलिफ आता है जायद इससे पता चलता है कि ये हमारे पास जमा का सेगा है इसी तरह, तफ आलू बनेगा तफ आलाफा तफ, अला। तफ, अला बनेगा, तफ और पे कोई फर्क नहीं होगा ये वो सेगा है जिसपे कोई फर्क नहीं होता है तफ आलू यहाँ पर बनेगा तफ आला तफालाज बनेगा तफ आला बनेगा तफ, तफ और वाव के साथ जाएद जमा की सूरत में इसी तरह तफाली ना तफाली यहाँ पे भी नून हट गया नहीं बनेगा तफाला नून हट गया तफ एल यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा और अफ बनेगा अफ और नफ बनेगा नफ तो ये आप याद रखिएगा ये हमारे पास जो आपके सामने गर्दान है ये गर्दान है फेल मा, फेल मुजारा खफीफ का फेल ख़फ़ीफ को और आप याद रखेगा खफीफ उस सूरत में बन जाता है जब हमारे पास वो छे हरूफ जो मैंने आपके सामने बयान किए फिर से एक बार आपको मैं दिखा देता हूं ये है वो छे हरूफ लान अन, ली का जब ये फेल मुजारे से पहले आते हैं तो उनको खफीफ कर देते हैं तो खफीफ आपने समझ लिया ये है वो खफीफ की कंडीशन जो आपके सामने बयान की, की जा चुकी है अब ये जो गर्दान में हमने तब्दीली लाई जो आप यहां पर देख रहे हैं ऐसे फेल मुजारा को हम इसको हम कहते हैं हालत नासिबा यानी हमने इसको हालत नासिबा किया नासिबा मतलब इसको हमने मंसूब किया आखिर में हमने इसको नसब के साथ बनाया इसको हम हालत नासिबा भी कहते हैं यानी खफीफ का दूसरा नाम जो है इसको हम कहते हैं हालत नासिबा ये कभी कभी किताबों में आप फेल गर्दान देखेंगे मुजारा खफीफ के नाम से और कभी इसको आप देखेंगे इस फेल मुजारा को कहते हैं हालत नासिबा। अब हम एक एक करके इन जो हमने छह हरू पढ़े हैं जो गर्दान को तब्दीली लाते हैं खफीब बनाते हैं हालत नासिबा में ले ला ले आते हैं उनको पढ़ेंगे एक एक करके उनका माने समझेंगे और कुरान मजीद से उनकी मिसालें देंगे सबसे पहले हरफ हमारे पास है लन लन ये मुजारा में लन जो है ये मुजारा में जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता है जब भी आप कभी लन देखेंगे इससे मुजारा में जोरदार नफी एक तो होता है इनकार वो ला की वजह से या माँ की वजह से आ जाता है मगर जब आपने लन लगाया लन इब्तदा में फेले मुजारा के तो फेल मुजारा में जोरदार नफी, नफी काफी ज्यादा नफी काफी ज्यादा नेगेटिविटी डेवलप होती है और वो फैल मुजारा मुस्तबिल के लिए खास हो जाता है क्योंकि फेल मुजारा हमारे पास हाल मुस्तकबिल दोनों के लिए होता है प्रेजेंट फ्यूचर के पास के लिए होता है मगर जब आप लान देखेंगे एक तो उसमें कंप्लीट नेगेटिविटी डेवलप होती है नफी का मफहूम जोर से पैदा होता है प्लस वो खास हो जाता है मुस्तबिल के लिए जब लन इस्तेमाल होता है अब कुछ कुरान की मिसालें देंगे उससे पहले आप याद रखिएगा जब हम पढ़ेंगे लन तो लू उससे पहले यफ एलू था जब आपने लन लगाया अभी इसको पढ़ेंगे लन यफ आला और तजवीद कायदा लगाइए नून के बाद या आएगा तो उसको पढ़ेंगे लाइन यफ आला लन के बजाय लाइन यफ आला क्योंकि नून साकिन के बाद या आ रहा है तो ईदगाह बगुना होगा ये ईदगाम इसको ईदगाम कहते हैं बगुना गुन्ने के साथ इसको हमने तजवीद के कायदों में पढ़ लिया है तर्जुमा इसका है वो हरगिज नहीं करेगा यफ एलू वो करता है या करेगा मगर जब हम पढ़ेंगे लाइन यफ आलू इसका तर्जुमा है वो हरगिज़ नहीं करेगा एक तो इसमें जोरदार नफी आ गई दूसरा ये मखसूस हो गया मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर के लिए नंबर वन नंबर टू जो यफ आलू था वो तब्दील हो गया यफ या अला यानी हालत नासिबा में तब्दील हो गया इसी तरह या ये इससे पहले अगर हम लान लगाएंगे तो वो बने बनेगा लन या फला क्योंकि नून हट जाएगा इसको हमने किया पहले मुजारा खफीफ तजवीज की सूरत पढ़ेंगे लाइन या फला वो दोनों हरगिज़ नहीं करेंगे इसी तरह लाइन या फलू लू था लू पड़ा जमा का सेगा वाव के साथ अलिफ को लाजिम लगाइए वो हरगिज नहीं करेंगे और लाइन यफ अल्ला क्योंकि यफ अल्ला और तफ अल्ह तब्दील नहीं होता इसका तर्जुमा होगा वो हरगिज नहीं करेंगे तो ये तो आपने देखा कैसे तब्दीली लाई जाती है मजीद से एक मिसाल लेंगे आपके पास मादा है सौद बा और रा बान दाद पे यानी पे डालिए बनेगा सबारा यस बिरु सबरास बिरु सबरा तो माजी का सेगा है इसमें कोई फर्क नहीं आएगा यसबिरु इसी का आखिर में आप पढ़ेंगे तो बनेगा नसबिरु यानी जो इसका जमा मुतकल्लिम का सेगा है यसबिरु का आखिर में सेगा है नसबिरु और जब इसको हम ख़फ़ीफ करेंगे फेल मुजारा को फेल मुजारा ख़फ़ीफ बनाएंगे तो नसबिरु बनेगा नसबिरा कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 61 अल्लाह तबरक तआला फरमाते हैं वइध और जब कुलतुम और जब कहा तुमने कुल तुम और व इज कुल तुम और जब कहा तुमने या मूसा ए मूसा यानी जो उस वक्त यहूदी थे हजरत मूसा के साथ उनको कहा जाता है व इज और जब कुल तुम तुम सब ने कहा या मूसा ए मूसा लन नस ब्योरा देखिये असल में था नस बुरू मगर लन की वजह से नस ब्योरा इसमें इसको कहते हैं फेल मुजारा खफी बन गया लन नसबरा हम हरगिज सबर नहीं करेंगे जमा सेगा कसे सब के लिए हरगिज नहीं हम सबर करेंगे तो एक खाने पर एक ही खाने पर क्योंकि अल्लाह तबारक तबारा ने मूसम के जमाने में उनको कुछ टाइम के लिए आसमान से मन्नो सलवा नाजिल किया जो एक बना बनाया खाना उनके लिए हुआ करता था मगर जब वो बहुत दिन तक वही खाते रहे तो उन्होंने मूसा से कहा अरे मूसलम हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक ही खाने पर इन हर दिन हरगिज हमारे पास एक ही खाना होता है तो हमारे पास वैरायटी नहीं है हम हरगिज़ इस पे सब्र नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा नसपिरू कैसे नसबरा में तब्दील हुआ क्योंकि इससे पहले लन है और लन ने उसको इसको, इसको मुजारा को मुजारा खफीफ कर दिया अब ये कायदा आपको याद रहना चाहिए एक और हमारे पास मिसाल है आपके पास मादा है दाल खा और लाम फेल यानी आप उसको बाब नसरा पे डालिए मुजरद का फेल है ये, ये बनेगा न दखाला नसरा से दखाला यद खुलू यंसुरु दखाला दखलाद खुलु दखला माजी का सेगा कोई फ़र्क नहीं यद खुलू को आप खफीफ कीजिए बनेगा यद खुला आखिर में पेश के बजाय जबर आएगी एक सौ ग्यारह फरमाते लगे, माजी जमा का सेगा है लन के बजाय हम पढ़ेंगे लाइन के बदिया लाई खुला लाइन यानी लन आ गया फिर खुलू के बजाय पढ़ेंगे यद खुला क्योंकि यहाँ फेल मुजारा खफी बन गया हरगिज नहीं वो कहने लगे हरगिज दाखिल नहीं होगा अल जन्नत जन्नत में इल्ला मगर मन का ना वो जो हुदन अव नसारा हो जो यहूदी या नसरानी यानी उनका दावा है वो कहते हैं उनका दावा है लन लन या दुखुला हरगिज दाखिल नहीं होंगे फ्यूचर नहीं होंगे जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसरानी यानी क्रिश्चियंस और जीव दाखिल हो जाएंगे फिर अल्लाह ने उसका इनकार कर दिया यानी क्या मैंने आपको कोई परवाना दिया है कोई सर्टिफिकेट दिए है इस बात को करने की मगर यहां जो समझने की बात है वो ये है कि द खुला में तब्दील हो गया क्योंकि इससे पहले लन आ गया तो ये बन गया फेल खफीफ एक और मिसाल आपके सामने है आपके पास मादे का सेगा है दरा, बाब दौरा पे डालिए बनेगा यक फिर और खफीफ कीजिए तो यक फिर बनेगा यक फिरा अल मुनाफिकुनायत नंबर छः पुरानी मजीद अल्लाह फरमाता है लाइन यु असल में यक फिर था

फौम को यानी वो जो फिस्क में फसूक में मुब्तला हो यहाँ पे भी आपने देखा यग फिर फिरा हो गया क्योंकि इससे पहले लन आ गया कुछ और मिसालें आपके सामने देंगे एक और मिसाल हमारे पास है कुरान मजीद से शेखा आपके पास है नून फा और बाद आय बाआ डालिए इसको नफा आय फाऊ और यन फाऊ को खफीफ कीजिए तो बनेगा पहले को बनाइए तन फाऊ उसके बाद खफीफ कीजिए बनेगा तन तीन अल्लाह फरमाता है लन के फ फाकुम हरगिज फायदा नहीं देंगे अर तुम्हारे यानी हरगिज फायदा नहीं देंगे तुम्हें अरहामुकुम तुम्हारे रिश्तेदार और नहीं औलादुकुम तुम्हारे अवलाद याम कयामत के दिन यानी क्यामत के दिन तुम्हारे हरगिज़ फायदा नहीं देंगे तुम्हारे रिश्तेदार ना तुम्हारे अवलाद यहाँ पे भी तन फाऊ के बजाय तन इस्तेमाल हुआ क्योंकि उससे पहले लन इस्तेमाल हुआ है इसी तरह मीम सीन सीन आपके पास सेगा बला से मसीसा मसीसा बनेगा मस्सा आपको पता है क्यों क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमारे पास कौन सा सेगा यानी कौन सा रूल फॉलो हो गया जिसमें दो हमारे पास इकट्ठे हमारे पास हरूफ आ जाते हैं आइन कलमे पे और लाम कलमे पे आपको पता है कि इसके पहले हमने कायदा पढ़ा था जब ऐसी कंडीशन हो तो आखिर में हमारे पास यानी ईदगाम हो जाता है तो मसीसा बनेगा मस्सा मस्सा का मतलब छूना तो ये तो था हमारे पास माजी का सेगा माजी के सेगो को छोड़ दीजिए हमें इसे कुछ करना नहीं है मुजारे के सेगो को बनेगा यम ससु से यमस्सु बनेगा उसके बाद तमस्सू बनेगा तमस्सु को आप खफीफ कीजिए तो बनेगा यानी पेश के बजाय जबर आएगा सूरत नंबर एटी अल्लाह फरमाता है कालू और वो कहने लगे लन हरगिज नहीं छुएगी हमें आग यानी हरगिज हरगिज नहीं छुएगी हमें हमारे जिस्मों को हरगिज हरगिज आग जो है नहीं छुएगी इल्ला मगर मअदूदतन सिवाय गिनती के कुछ दिन यानी अगर कुछ दिन हमें जाना पड़े उनको जाना पड़े जानने में जाएंगे मगर जो आम फहम बात है कि उनके जिस्मों को हमेशा आग में डाला जाएगा तो उनके अपने कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि हरगिज हमारे जिसमों को आग नहीं छुएगी अगर मान लो जाना भी पड़े तो कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा ये यहूदियों का एक दावा था यहाँ पर आपने देखा या या यु के बजाय तमस्सा इस्तेमाल हुआ क्योंकि इससे पहले लन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे भी फेल मुजारा खफी बन गया एक और मिसाल है हा दाल और या हदाया हदा बन गया क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये हमारे पास आ, आ, लास्ट में हमारे पास हरूफ हरूफ इल्लत आ गया या आपको एक कायदा पता है इससे पहले हमने पढ़ा है और ये माजी में तो कोई फर्क नहीं आता मगर इसके बाद मुजारा में यह दियो बनेगा यह दी और उसका मतलब होता है वो रहनुमाई करता है रहनुमाई करेगा इसके बाद इसी तरह दाल आईन वाव दावा बनेगा बनेगा आपको पता है कायदा क्योंकि आखिर में हमारे पास हर फिल्लत है इसी तरह यानी माजी में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा मुजारा में है यद और यद उद बनेगा यद तो उ बनेगा यद और उसके आखिर में नद उ को हम खफीफ करेंगे तो वह बनेगा नद उवा आप यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं पुकारना कुरान की सूरत नंबर फोटी अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं पुकारेंगे हम उसके अलावा किसी को यानी जो असाबुल कहफ थे जब उनसे कहा गया कि आप अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत कीजिए तो उन्हें कहना शुरू कर दिया लन नद यकीन हरगिज हम नहीं इबादत करेंगे नहीं पुकारेंगे मिन दूनी ही उसको छोड़ के इलाहन किसी और इलाके यहाँ पे भी आपने देखा नदू बन गया नद और यहाँ पर आपका ये कायदा है खफीब बन गया तो ये तो हमारे पास एक हरफ्ता लन की मिसाल अब उसके बाद दूसरी मिसाल है अन की अन का तर्जुमा है कि जैसे हम बाद में कहते हैं ना कि दैट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं तो अन का तर्जुमा है कि आपके सामने एक मादा है सीन जीम और दाल बाबी नसरा से सजदा यस जुदू यस जुदू से तस जुदू और तस जुदू को खफीब कीजिए बनेगा तस जुदा इसी तरह मीम नयी बाबी फला से मना आम ना और यमना को अगर आप खफीफ करेंगे तो वो बनेगा यम अब आप देखिए तस्जुदा जो है उसको इस्तेमाल किया गया है किस चीज ने रोका तुझे अन की तस्जुदा तू सज़दा करे लिमा खलक तू उसे जिसे मैंने पैदा किया बी या, या, या अपने हाथों से यानी अल्लाह तबारा ने इबलीस को कहा ए इबलीस किस चीज ने तुने रोका किस चीज ने तुम्हें मना किया कि तू सजदा करे उसे जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया तो यहाँ पे आपने देखा तस जुदू तस जुदा बन गया वजह है कि इससे पहले अन आ गया क्योंकि अन लगाने से भी हालत नासिबा में तब्दील हो जाता है खफीफेन फेल मुजारा खफी बन जाता है एक और मिसाल है नून के बाद न कहा और यन किसो को खफीफ कीजिए बनेगा में आया है सूद जो है सत्तर है यानि सत्तर दर्जों के लिहाज है अरबा सब ऊन बन सूद सत्तर है दर्जों के लिहाज से आई सर उनमें सबसे हल्का सूद जो है अल्लाह जो जो सूद है उसमें सत्तर गुना है उसमें सत्तर हैं हैं सूद इन्हें जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। एक तरीका यह है कि बैंक में आदमी पैसा रखता है उससे सूद आ जाता है दूसरा तरीका है कि किसी आदमी को आपने पैसा दिए और कहा कि मुझे इससे एक्स्ट्रा पैसे वापस देना इसको सूद कहते हैं और सूद को लेना लेना हराम करार दिया गया है कुरान हदीस में यहाँ पर जो जिक्र है वो है अर्रिबा सूद के बारे में सब ऊन अहूबन सत्तर जर्जू के लिहाज से इसमें सत्तर खबासतें हैं आई सरुहा उनमें से सबसे हल्का क्या है आई यन किहा यन किहु बन गया यन किहा अल लगाने से कि निकाह कर ले अर रजुलू एक आदमी उम्मू अपनी माँ से यानी सूद के गुनाहों में से सबसे छोटा गुना यह है सूद के सत्तर गुना है यानी सत्तर दर्जे हैं सत्तर खबासतें हैं उसमें सबसे छोटी खबासत यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह करे निकाह का मतलब होता है कि आदमी अपने अजवाजी ताल्लुक अपनी, अपनी माँ से यानी ख्वाहिश अपनी माँ के साथ कर ले ये है सूद का सबसे छोटा गुना सबसे छोटा यानी बदला आप अंदाजा करें सूद लेना इस हिसाब से कितना बुरा कितनी बड़ी खबासत है अल्लाह तला हमें बचाए तो ये हजीसी सही हा में इसमें भी आपने देखा कि हु अन की वजह से यान बन गया हमारे पास सेगा है बा और दाल और इसको नून और कैफ से आप डाले तो बनेगा अबदा या अबुदू या अबुदू या अबुदू को ना अबुदू बनिए बनाइए क्योंकि आखिर का सेगा चौदावा सेगा जमा मुतकलम का इसको खफी कीजिए को ना अबुदा बनेगा ना अबुदू बनेगा ना अबुदा। इसी तरह नून हा और या नहा या नहा बन गया क्योंकि आखिर में या है जिसको इल्लत में लाते हैं और पता है क्या का, इस्तेमाल होता है और हमें तो इन्हें माजी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका तर्जुमा उसने रोका यन हयू बनेगा हा वो रोकता है वो या रोकेगा अब सुरहद में इन दोनों को इस्तेमाल किया गया है अल्लाह फरमाता है ना क्या तू रोकता है ना क्या तू रोकता है अन ना अबुदा हमें हम बंदगी करते हैं नाअबुदा ना अब नहीं ना अबूदा क्योंकि अन इस्तेमाल हुआ क्या तू रोकता है हमें कि हम बंदगी करते हैं माँ या अबू उसकी बंदगी आबा उना जिसकी बंदगी करते हैं हमारे बाप दादा यानी वो कह रहे थे अपने पैगंबर से क्या तू हमें रोकता है उनकी बंदगी करने से जिनकी बंदगी हमारे बाप दादा भी करते आए हैं अक्सर आज भी आप किसी को बताइए ना कि ये शिरक है वो कहता है कि ये कौन सा शिरक है हमारे बाप दादा भी ऐसे किया करते थे यानी वो बजाय कि कुरान और हदीस आपके सामने पेश करे वो आपके सामने वही उठपटांग मिसाले देते हैं कि भाई हमने तो अपने बाप दादों को ऐसे करते देखा बल्कि नाम नेहाद मुसलमानों में भी यह कॉमन है कि उनको आप बताइए कि ये शिरक है या आप ये क्यों कर रहे हैं इसकी कोई दलील नहीं चिजाय कि वो दलील कुरान और हजीज़ से दे वो आपको उसी चीज़ में घुमाएंगे कि भाई हमने कौन सा गलत किया है हमने तो बाप दादा को ऐसे ही करते देखा तो यहाँ पे भी आपने देखा अन के बाद इस्तेमाल हुआ है नाबुदा खफीफ बन गया कुछ और मिसालें देंगे इसमें तो मिसालों में से हमारे पास है कवला कौला बन जाता है इसमें आपको पता है कि हर फिलत अलफ में तब्दील हो जाता है और कवला क़िला कौवल बन गया तो यकबलू बनेगा या यकुलू को जमा कीजिए बनेगा तकोलूना और इसको आप खफीफ कीजिए तो बनेगा तकोलूना बनेगा तकलु नून हट जाएगा और वाब के साथ अलिफ आ जाएगा खफीफ किया इसी तरह हमजा मीम रा बाबी नसरा पे अमारा या मुरु हुकुम देना आइमी बाबी सीन पे अली अलिमा अलमु जानना जानते रखना अब आइट नंबर वन सिक्स नाइन में इनको इस्तेमाल किया गया है इन वो तो सिर्फ या मुरुकुम हुक्म देता है बसुई तुम्हें किस चीज़ का बुराई वफाशाई और बेहयाई का यानी बेशक वो तो तुम्हें हुक्म देता है बुराई और बेहयाई का यहाँ जो तस्करा है वो शैतान के बारे में है यानी वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुम्हें बुराई और बेहयाई का व अन व अन और ये की वन देखिये ना खफीफ अन की वजह से हो गया ये पढ़ा जाएगा तकूलु और ये कि तुम कहो अल्लाह के बारे में माला ऐसी बात या ऐसी चीज़ें ताल, तालमूना जिसे तुम नहीं जानते यानी जि, जिसे तुम जानते नहीं हो तुम यानी जिसे नहीं तुम जानते यानी शैतान तुम्हें एक तो हुक्म देता है बुराई और बेहयाई का और वो तुम्हें कहता है तुम तुम कहो और वो कहता है कि तुम कहो अल्लाह के बारे में ऐसी बात जिसे तुम नहीं जानते यानी अल्लाह के सामने तुम उसको एक तरह से अल्लाह को नाउज एक यानी उससे तुम मिसकोट करो अल्लाह तबारक ताल शैतान की एक मिसाल है वो कैसे इंसान को बुराई फैशाई फहशा की तरफ बुलाता है और ऐसी चीजें अल्लाह की तरफ मंसूब करवाता है जो अल्लाह के बारे में आ, असल में हकीकी नहीं है और आप लोग जानते भी नहीं होते जैसे लोग खुद खुद ही चीजें बनाते हैं ना इन्हें ना कोई अता ना पता ना कोई दलील ना कुरान ना हदीस खुद ही वो अल्लाह के बारे में बात असल में शैतान का एक बड़ा धोखा है कैफ हारा कैफ रा तो बनेगा कैरिहा यक और उसमें बनेगा तक्रा अगर जमा कसेगा बनेंगे तो खफी बनाएगा तो तक्रुना बनेगा तक रहू नून हट जाएगा और वाव के साथ अलिब आएगा नंबर अल्लाह फरमाते हैं वा ऐसा और हो सकता है अन तक रहू दे तक्रहुना तक बन गया क्योंकि अन की वजह से और हो सकता है कि अन तक रहू तुम नापसंद करो शायद किसी चीज को वा और हालांकि हुआ वो लकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए इन्हें कभी कभी आदमी कहता है कि कोई ना कोई चीज नापसंद करता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए इस तरह ये चीज नहीं होनी चाहिए अल्लाह फरमाता है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है तो प्लानर जो बेस्ट है वो अल्लाह है हम प्लानर उतने नहीं है तो हमें हर चीज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अल्लाह के हुक्म को मतलब मानना चाहिए एक और मिसाल है उसके बाद हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे हमारे पास है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तार ये बनेगा तार बब नसारा से तारा का युकू उसके बाद अगर आप उसको मजहूल बनाएंगे बनेगा युत रकू मजहूल से युत रकु बनेगा और युत रकूना मजहूल का अगर आप ये गर्दान करेंगे युत रकूणा पे खफीफ कीजिए तो बनेगा युत रकू इसी तरह फ़ातानून बाब नसारा से ये बनेगा फताना यफ मजहूल बनाएगा तो बनेगा युफ और युफ ये जो लाश में बनेगा अगर आप उसको खफीफ नहीं करेंगे सूरत कबूत अल्लाह फरमाता है हसीबा क्या गुमान कर लिया अन लोगों ने आई युतरकू देखिए युतरकू युतरकू ना युतरकू बन गया अन की वजह से क्या गुमान कर दिया लोगों ने आई युतरकू उन्हें छोड़ दिया जाएगा आई अकूलू क्योंकि वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए वा और हम लायुफ उन्हें हम नहीं इन्हें उन्हें हम नहीं आ, उन्हें ही नहीं आजमाया जाएगा यानी किसी आदमी ने या लोगों ने अगर यह कहना शुरू कर दिया कि हमने ईमान लाया इसी बेस पे उनको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह उनको नहीं आजमाएगा तो वही यहाँ पर कहा गया है आसीबा क्या गुमान कर दिया लोगों ने अन्नासु आई उतरकू कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मजूल का सेगा है आई यकूलू क्योंकि वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए व और हम उन्हें ला युफ्तनून इन्हें उन्हें ही नहीं आजमाया जाएगा उन्हें जरूरन आजमाया जाएगा, जाएगा। सूरह अनकबूत की आयत नंबर दो इसी तरह दाल बाहा बाद नबहू यद, यद बहू से तहूना जमा कसेगाजिए बनेगा तू नून को हमने हटा दिया शु 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 में। और जो कहा, कहा मूसा मूसा ने लिखाऊ में ही अपने कौम से इन अल्लाह बिलाशुबा अल्लाह युकुम हुम देता है तुम्हें तद बहू न से अन तद बहू आ गया नून हट गया आम की तुम विवाह करो बकार कोई गाय तो यहाँ पर हम आज एंड करेंगे आज हमारा टाइम खत्म हुआ और उसके बाद जो बाकी चार ूफ है उनके बारे में पढ़ेंगे किस तरह तब्दीली आती है अल्लाह तबारक से दुआ कि हमारे इस काविश को कबूल फरमाए हमारे लिए ये मिशन बहुत आसान फरमाए मिलते अगले लेक्चर में वाखुर दाबाना अनहमदी अल्लाइम वरम व